खड़ी ढलान है, इससे उतरना बहुत ही बड़ा टास्क है मेरे लिए। ये मेरी पहली सीरीज होने वाली जो मेरे लिए सबसे ज्यादा एडवेंचरस रही है। साथ में बर्फ हो, स्नो, क्या खुशबू। घर जाने का मन कर रहा है? अब कैसे जा सकते, जा नहीं सकते। मन कर रहा है? मन भी नहीं कर रहा। तो घर जाने का मन भी नहीं कर रहा और जाना भी है, तो दोनों के बीच में फंसे। और बर्फ बहुत ज्यादा यार, बहुत ज्यादा। तो ये है डे थ्री, और आज डे थ्री में जो भी होने वाला है मैं आपको दिखाऊंगा। तो ब्लॉग को पूरा देखना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। तो चलते हैं। सर वेरी गुड मॉर्निंग, और आज है डे थ्री। क्या बताऊँ कि पिछले दो दिनों से हम रूम में ही बंद है। डूडू वैली एक्सपेडिशन हमारा इनकम्प्लीट सा चल रहा है, बट इट्स इन्जॉयबल। ऐसा कुछ नहीं कि ज़्यादा हमारा मूड ऑफ है या ये सब कुछ सही चल रहा है। बस दिक्कत एक ही है हमारे पास कि अभी बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ चुकी है। इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ चुकी है कि बहुत मुश्किल है कि आज हम घर निकल पाएंगे। हमारा प्लान था कि डे थ्री जो होगा वो हमारा रिटर्निंग डे होगा, पर हम डे थ्री पे नहीं जा पाएंगे। और बाइक्स हमारी बाहर खड़ी हैं और एक्सल तक बर्फ़ आ चुकी है। लाइक एक एक फुट, डेढ़ डेढ़ फुट की बर्फ़ गिर चुकी है, जिसकी वजह से मुझे लगता नहीं है आज रोड क्लियर होगा। जब तक स्नोफॉल रुकेगी नहीं, रोड क्लियर भी नहीं होगा। अभी हम चलते हैं बाहर और मैं आपको दिखाता हूँ कि पिछले 24 घंटे में कितनी बर्फ़बारी हो चुकी है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हो चुकी है, आपको दिखाता हूँ मैं। तो देख सकते हो यार कितनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ चुकी है। इस हालात में बाइक तो दूर दूर चलने नहीं वाली। वैसे बोला मैं ज़्यादा ठंड है तो रोड तो बिल्कुल दिख ही नहीं रहा है। अभी फ़िलहाल बाइक से बर्फ़ हटा कर बाइक को एक कोल्ड स्टार्ट देकर देख रहे हैं कि बाइक स्टार्ट भी होगी कि नहीं। बाइक चल जाएगी इसमें? नहीं, बहुत मुश्किल है बाइक चलाना। बिल्कुल। कैसा रहा आपका कल की रात, कैसे रही? कल की चोट की वजह से मैं निकल नहीं पाया था भैया। कल गिर गए थे, स्लिप हो गए थे, लाइक एक फ्लोर थोड़ा सा बच गया पैर। बताओ क्या करना है? कुछ नहीं यार, कुछ समझ नहीं आ रहा, बस बर्फ ही बर्फ पड़े जा रही है। पिछले करीब 28 घंटे तो हो गया लगातार बर्फ पड़ते हुए। अभी प्लान ये है कि छोटा सा ट्रैक है, 15 मिनट का करते हैं, थोड़ा एंजॉय करते हैं। अंकल जी तुम्हें दसो कितनी देर लगी रोड खुलने में? रोड खुली आना परसों चौथा। यार परसों चौथा है, इधर है ना। है अभी यार, अभी हम थोड़ी आग जलाने के लकड़ी ढूंढने जा रहे हैं। लकड़ी ढूंढ ली है, बस काटने जा रहे हैं उसमें। लकड़ियाँ कट रही हैं, आग जलाने की तैयारी हो रही है। सुबह से यहाँ पे बर्फ रुकी नहीं थी। कुछ लाया होता हम नहीं लेंगे किसने, गिली नहीं होती वहाँ पे। और ये बंदा हमें थोड़ा एक्सपीरियंस लगा लकड़ी काटने में, थोड़ा इनका इंटरव्यू हो जाए। आना भैया दो मिनट। तो कब से आप लकड़ी काट रहे हो? मैं पिछले 5-6 सालों से लकड़ियाँ काट रहा हूँ यहीं पर। आग के लिए ये पेड़ खत्म नहीं हो रहा है, ये पेड़ खत्म नहीं होने का हो रहा है। तो कैसा लगता है आपको जब आप पेड़ से लकड़ी काट के आग जलाते हैं? देखो सर्वाइव करने के लिए हमें ये सब करना पड़ जाता है यहाँ पे। हाँ, क्योंकि बर्फ़ बहुत ज़्यादा है, बर्फ़ बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे, तो और कोई ऑप्शन नहीं रहता। पिछले कितने घंटों से बर्फ़ पड़ रही है लगातार? पिछले मेरे को लग रहा है कुछ नहीं, कुछ नहीं तो 28 घंटे हो गए। 28 घंटे से ऊपर हो गए, 30 घंटे होने को आगे। और कंटिन्यूसली और स्नोफॉल नहीं रुका। तो मनाली से बेटर फील कर रहे हो? बहुत बेटर फील कर रहे हैं हम। मैं तो सबको कहता हूँ कि आप यहाँ डूडू वैली आए, इन्जॉय करें। सो गाइज़, ये है माउंटेन सोल कैफ़े, और ये जो एरिया आप देख रहे हो सराउंडेड, वो पीछे भी एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा छोटा सा, वहाँ तक है ये सारा डूडू वैली ग्लैम्पिंग रिजॉर्ट। और फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा स्नो पड़ रही है। अभी तो बर्फ़बारी ज़्यादा होने के कारण ये प्रोजेक्ट काफ़ी पीछे चल रहा है टाइम लाइन से। होप ये जल्दी कम्प्लीट हो जाएगा। और अभी देखो यहाँ पे पानी पूरा फ्रीज हो चुका है। ट्रैकिंग व्रैकिंग तो हो नहीं पा रही है, तो सोचा चलो सब सामान है तो पहाड़ों की मैगी का मज़ा लिया जाए, और बर्फ़बारी में मैगी बनाएंगे हम आज। तो अभी मैंने सेटअप तो रेडी कर लिया, देखो थोड़ा बहुत अपना स्टोव चल रहा है, पानी रख दिया है, बॉयल आने वाला है, बस मैगी बनाएंगे।
और मेरे साथ तुषार भाई हैं। करण भाई ढक्कन लेने गए अंदर किचन में, क्योंकि हमें ढकना है, स्नो बड़ी पड़ रही है। हाँ, तो ऐसा मैगी बन नहीं पाएगी सही तरीके से, तो पहले मैं बनाता हूँ। तुषार भाई कैमरा पकड़ो आप। ओके भाई, पहाड़ों में मैगी खाने का मजा है हर्षम भाई, वो कहीं नहीं है बिल्कुल। और साथ में बर्फ हो, स्नो, क्या खुशबू आ रही है यार, क्या खुशबू, जिंदगी का स्वाद आ रहा है यार। एक प्लेट गर्मा गर्म बर्फ। तो यार हमारे भाई करण भाई आ गए वापस, जैसा आपको बताया प्लेट लेने गए हैं, गाड़ी की पहन चलोगी जरिए। और शाम के अराउंड 5:30 बज रहे हैं एंड मौसम कुछ ऐसा है जहाँ जहाँ हमारा फूड वगैरह सब लंच होता है एंड उसके बैक साइड में हमारे पास यहाँ टेंट्स भी अवेलेबल हैं। सो इस टाइम सक्षम हमारे मैगी बना रहे हैं पहाड़ों में। देखो पहाड़ों में मैगी बनाने का मज़ा ही कुछ और है, और खाने का भी, और खाने का भी। तो हमारा शेरू भी हमारे साथ आए हैं, ये वेट कर रहे हैं कि ये कुछ बना रहे हैं, मैगी बना रहे हैं, वेट करता हूँ मैं कब खाएँगे। हाँ शेरू, मैगी खानी है आपको, मैगी खानी है आपको। और वहाँ शायद जैसे भी चल रहा है बर्फ क्लियरेंस का काम शुरू हो चुका है, मैं भी कल तक या परसों तक, नहीं आई थिंक इट्स अ चॉपर, हाँ जेसीबी, दैट्स अ जेसीबी, रोड क्लियरेंस हो रही है। सो ताकि लोकल्स को कुछ प्रॉब्लम ना हो या दे पा रहे हैं, जेसीबी चलना शुरू हो गई है। एंड वे लगता है कि थोड़ी देर में बर्फ़ भी बंद हो जाएगी, वैसे काफ़ी देर से पड़ी रही है, लाइक अराउंड तो 2 दिन होने वाले हैं हमें लगातार बर्फ़ पड़ते हुए। कैसी है मैगी सक्षम, आपके हाथों की बनाई हुई? करण भाई ने जितनी एक्सपेक्टेशन रखी थी मैगी की, चम्मच में आई नहीं। मुझे लग रहा है फ़ोन आ गया। मैगी काफ़ी अच्छी बनी है, आई है आपने, कैसी है पहाड़ों की मैगी? जबरदस्त यार, आप बनाओगे सही नहीं होगी, मैंने किसी को नहीं बताया, मैं खुद ही। तो मौसम ने हमारे सारे ग्रुप को एक रूम में बंद कर दिया इस वक्त। तो वैसे तो बाहर जैसी भी चल रही है रोड क्लियरेंस होने की, हमें चांस लग रही है कि आज हमें रोड क्लियर मिल जाएगा, और आई होप ये हम कल घर निकल पाए।